और कश्मीर से जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। आतंकियों ने उड़ी में सेना के मुख्यालय पर सुबह 5:30 बजे आतंकी हमला किया और 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उड़ी में जहां पर ये आतंकी हमला किया गया है और इस वक्त वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, तो ज़्यादा जानकारियां इस वक्त मिल नहीं पा रही हैं। और जो जानकारियां अभी तक आई हैं उसके अनुसार 5:30 बजे वहां पर आतंकी हमला हुआ है। हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीनगर से। रमा, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी संशयता, बिल्कुल 5:30 से 6 बजे के बीच में जो 12 ब्रिगेड मुख्यालय है सेना का, वहां पर आतंकी हमला हुआ और फिलहाल जो है वहां पर भारी गोलीबारी चल रही है। और ये बताना भी उसमें मुश्किल है कि किस तरह का ये हमला है, किस प्रकृति का ये हमला है, लेकिन जिस तरह से कल आईजी बीएसएफ ने बताया कि 150 से लेकर 200 आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में है और ये एलओसी के पास जो है ये हमला हुआ है, तो बहुत कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये घुसपैठ का ही हमला है। लेकिन अभी फिलहाल जो सेना सूत्र हैं या जो रक्षा बल हैं उनकी तरफ से अभी कोई साफ तौर पर इस बारे में नहीं बताया गया है कि किस तरह का ये हमला है, लेकिन फिलहाल गोलीबारी वहां पर जारी है और लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह का ये मौसम है कि सर्दी आने से पहले घुसपैठ की जितनी भी घटनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा घटनाएं हैं, उनको पाकिस्तान अंजाम देना चाहता है और जिस तरह का वो टेरेन है बिल्कुल एलओसी का लगता हुआ पूरा इलाका है और वहां से जो घुसपैठ है वो काफी आसान हो जाती है, तो फिलहाल इसे इसी तरह का ये मामला माना जा रहा है। लेकिन बाकी जानकारी तभी होगी जब जो सेना है इस चीज को, जो रक्षा बल है इस चीज को बताएंगे कि किस तरह की ये प्रकृति का हमला था। गोलीबारी जो है वहां पर, भारी जो गोलीबारी है वहां पर अभी फिलहाल जारी है। चंद्रशेखर, बिल्कुल रमा, आप नज़र बनाए रखिए। तो हमारी संवाददाता रमा त्यागी बता रही हैं कि वहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और जो जानकारी अभी मिल रही है उसके अनुसार एलओसी के पास 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है आर्मी का उड़ी में, जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ है, इस वक्त वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए इसी कारण से कुछ ज़्यादा जानकारियां इस वक्त हमारे पास नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हमारी संवाददाता बता रही हैं कि चूँकि एलओसी के पास ये इलाका है तो मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि ये बॉर्डर क्रॉस करके ये आतंकी आए और इन्होंने सेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया। जैसे जैसे हमको जानकारी मिलती रहेगी हम आपको जानकारी देते रहेंगे।